इसमें ये सही कह रहे हैं कि इस साइड में टच हो रहा है ये। आपकी हाइट क्या है भाई? 5 लोग के आसपास। चल भाई 6 फुट के तो मेरे हिसाब में नहीं बैठ पाएंगे इसमें, दोनों की नाड़ती हूं। तो अभी ना भाई ये देखो, इस गाड़ी के अंदर में बैठ चुके हैं 3 जने, और 3 जने बैठने के बाद में कैसा कम्फर्ट क्या आता है वो अभी दिखा देते हैं। भाई आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट 6'2" है भाई। 6'2"? भाई आपकी 6'3" है। 6'3"? और 5-7 का यार बहुत दूर बैठा दिया तुमने। वो कंफर्टेबल है ना, एक्चुअली हाइट का एक मेजर इशू रहता है भाई। तो हाइट अपनी जैसे 6'2" है तो पीछे बस इनफ स्पेस है भाई, पीछे हेडरूम तो बिल्कुल ठीक है। भाई आपकी 6'2" से तो ज्यादा ही लग रही है, इतने से कम ही है यार। मेरे यहाँ टच हो रहे हैं यार भाई, हाइट 6'3" है देखो, बिल्कुल टच हो रहा है। लेकिन यार आपके लिए तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, मेरे को थोड़ा बहुत है ठीक। एक्चुअली जो सीट पे हम बैठे हैं ना भाई, ये थोड़े नीचे है, जो बीच वाली सीट है थोड़ी ऊंची होती है। बीच वाले हो गए ऊपर, जैसे भाई थोड़ा साइड में आएगा जैसे मैं उतर रहा हूं। अगर आप आना ये देखो भाई, देखो फिर भी आ रही है, मेरे भी आ रही है ना, वो तो मेरे को बिल्कुल ठीक लग रही है। भाई आपको जो इसका अंडर थाई स्पोर्ट है वो कैसे लग रहा है? पहली वाली से तो बहुत बेटर है, पहली वाले से तो बहुत बेटर है भाई, उसमें तो स्पेस ही नहीं था बिल्कुल, ऊपर भी लगती थी, बैठते ही लगती थी, लग तो ये भी रही है, पर पहले वाले शायद बेटर है। हेडरूम का तो पता नहीं, पर जो ये नी रूम है ना वो तो बहुत बेटर है। एक बताऊंगा मैं, फिर बता रहा हूं भाई साहब, 3 आदमी बैठेगा ना, मैं 5-7 जब भी टच हो रही है। किस साइड में? इस साइड में हूं, 3 बैठे बाद ये मिनट रुको, एक भाई और बैठा हूं। एक और भाई आप बैठोगे? और 3 जने का देखना था, एक और आप बैठोगे? क्या हाइट है भाई आपकी? 6'1" 6'1" कतिया की रेट बता दिया ना, 1.5। ये देखो भाई 6 फुट के तो मेरे हिसाब में नहीं बैठ पाएंगे इसमें, दोनों की नाड़ती हूँ, टेढ़ी हो रही है दोनों भाइयों की। बीच में बाड़क सही, ये बीच में थोड़ा सा बटा दिया। आप भाई पुरानी में बैठे थे? पुरानी वाली में? हाँ पुरानी वाली में बैठे। पुरानी वाली में नी रूम लेग रूम कैसा था? हेड रूम को छोड़ दो, इससे तो बेटर है, इससे बेटर लगा, इसमें बेटर लगा या इसमें बेटर रहा? भाई कैसे दर के? ये देखो भाई एक नॉर्मल हेल्थ का बटाते हैं भाई को। भाई आपकी हाइट क्या है भाई? 5 लोग के आसपास। चल बैठ जाओ भाई, ये देखो भाई 5-9 का है, बीच में 5-7 है। भाई आपकी क्या है? 5-10 होगी। 5-10 मतलब जो एक एवरेज इंडियन की रहती है उतनी हाइट है। एक मिनट रुको भाई, हेडरूम यार इसमें ये सही कह रहे हैं कि इस साइड में टच हो रहा है ये, बीच वाले के लिए तो मेरे हिसाब में ठीक है हेडरूम। और भाई आपका और लेग रूम वगैरह कैसा है भाई? पुरानी से कंपेयर करो तो लेग रूम तो बहुत सही है, लेग रूम बिल्कुल बढ़िया। अगर अंडर थाई स्पोर्ट ठीक है सर। हाँ जी आप क्या कह रहे थे? जैसे स्टेरिंग जो है ये सबसे मैक्सिमम ऊपर है, हाँ, और मैक्सिमम अंदर है, अगर कोई तो आपके पैर पे टच हो रहा है। और सीट को डाउन करने का? ये मैक्सिमम डाउन है, मैक्सिमम डाउन है। ये वाली प्रॉब्लम ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई थी तो मुझे भी फील हुई थी, ज्यादा ऊपर कर देते हैं तो हेडरूम भी इसका कम हो जाता है। आप पुरानी वाली, पुरानी वाली वरना में बैठे थे उससे तो मतलब आसान है, हाँ मतलब सेडान है तो ऐसा नहीं लग रहा कि उतरना या बैठना। तो ये कंफर्ट था 5-10 के लिए और इस हेल्थ के लिए ड्राइवर वाली सीट पे। अभी 5-7 का भी इसमें बैठा देते हैं कि इसके लिए कैसे रहता है। देखो भाई 5-7 का अभी पैसेंजर वाली सीट पे बैठ चुका है, तो भाई क्या रिस्पॉन्स है तेरा? पुरानी वाली उसका डैशबोर्ड में इसका डैशबोर्ड में बहुत अंतर है, थोड़ा छोटा सा उठावड़ा सा है ऊपर की तरफ, ये उस साइड वाला उस साइड टिल्ट है, इस साइड वाला इस साइड टिल्ट है, थोड़ा ऊपर की तरफ है वो, और वो क्या थोड़ा सा लंबा लंबा लगा। अच्छा पुरानी का। इस वाली सीट पर बैठे तो ना ऐसे महसूस हो रहा कि तू नीचे धस के बैठ गया हो भाई। पुरानी वाली तो बेटर है, पुरानी तो यार बेटर है, वरना ना वरना थी करूंगा पुरानी। सही बात है, पुरानी तो बेटर है। और एक बार देख तू 5-7 आके बिल्कुल आराम से बैठा है और 6 फुट का मैं पीछे बैठ जाऊं, तो भाई नी रूम और लेग रूम तो बेहतरीन है यार इस गाड़ी के अंदर में। पीछे करीब अंटी सीट 6 लेकर बैठ के देख लो भाई, आप बैठ लियो ना, बैठ ले भाई, आप ही बता दो हमने। क्या हाइट भाई आपकी? 5.6 ऐसी है, 5.6 है। उस भाई ने बैठा लूँ आपके साथ ही है ना, हाँ। एक बैठन भाई, आइए भाई
ये देखो भाई क्या हाइट है भाई आपकी, मैं भूल गया, पीछे 6-2 के लिए तो यूं है, सीट पूरी पीछे करनी पड़ रही है यार, पूरी नीचे करनी पड़ रही है। और भाई पूरी नीचे करने के बाद भी, स्टीयरिंग व्हील पूरा ऊपर करने के बाद भी ऐसा मुझे लग रहा है कि भाई स्टीयरिंग व्हील थाई को अड़ रहा है। थाई को नहीं अड़ रहा, ठीक है मतलब भाई आपने सीट नीचे कर ली, अब आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मुझे विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है गाड़ी में, ठीक है बिल्कुल ठीक है। और सीट की ऐसी चौड़ाई कम लग रही हो आपने? नहीं चौड़ाई भी ठीक है, गुड है। पर भाई पूरी सीट से पे आ गए आप तो, पूरे यहाँ से वहाँ तक वहाँ आ गए। पीछे कोई पीछे बैठने वाले को शायद दिक्कत है, अगर पीछे बैठाऊं बंटी तो बैठ ही पीछे, एक मिनट रुको 5-7 का बैठा ही देता हूँ मैं पीछे, अभी 7-7 ही पता चल जाएगा, बैठ भाई। ये देखो 5-7 का इसमें यहाँ पे बैठ चुका है पीछे, और 6-2 का आगे है। अब इसमें नी रूम बिल्कुल ठीक है, और हेड रूम भी भाई ठीक है बिल्कुल, तो देख लो आप, ये वाला कंफर्ट रहता है इसके अंदर में। चलो गाइस ठीक है, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।